नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 26 अगस्त। सबसे पहले अगर हम बुलडेक्स की बात करें तो बुलडेक्स में कल का सेशन काफी मिला जुला और एक नेगेटिव रहा है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं जैक्सन होले स्पीच जो होनी है कल के सेशन में, उससे पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हमने जैसे कल कहा भी था कि 14,100 से 14,340 का जो रेंज है, ये रेंज हम बुलडेक्स में देखते हुए दिखाई देंगे। आज के सेशन की अगर बात करें तो वैसे तो जब तक मार्केट बुलडेक्स 14,000 के ऊपर होल्ड है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट 14,000 से 14,340 ये दायरा काफी इंपॉर्टेंट है। ये दायरा तोड़ने पे ही हम तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। कोई बड़ी पोजिशन मत कैरी कीजिए, क्योंकि जिस दिन से यूएस इकोनॉमी की जो अपडेट्स आने, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट गोल्ड $1,800 के ऊपर अगर कंटिन्यू होल्ड करता है, दैट विल बी ए पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर बुलियन। तो ऑलरेडी हमने फंडामेंटल साइड भी हमने देखा है कि प्राइसेस में नो डाउट कोई बड़े चेंजेस नहीं आए हैं, बट यूएस से जो डेटा पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने हैं। तो आज के लिए मार्केट दिन में थोड़ा नरम रह सकता है, 14,150 के करीब मिले तो लेके चलिए, 14,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 14,300 तक का लेवल दिखा सकता है, बट मेजर ब्रेकआउट आपका 14,340 के ऊपर ही बनेगा। कल के सेशन में 1% की गिरावट हमने गोल्ड में आते हुए देखी, चांदी में भी हमने एक फ्लैट टू नेगेटिव प्राइस मूवमेंट आते हुए देखा। आज के सेशन में भी अगर हम बात करें तो गोल्ड के अंदर 47,000 से 47,350 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी में भी हमें लगता है कि प्राइजेस एज ऑफ नाउ 64,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, मार्केट एक दायरे में ही रहेगा जो करीबन 62,600 से लेकर 64,000 के बीच में रहेगा। तो आज के लिए सोने चांदी में कोई बड़ी पोजीशन से बचे, लोअर लेवल पे बाइंग जरूर की जा सकती है सपोर्ट देखते हुए। जैसे गोल्ड में 47,000 के करीब और चांदी में 62,800 के करीब हम देख कर सकते हैं। वहीं अगर क्रूड की अगर बात की जाए तो कल क्रूड में हमने फ्रेश बाइंग लौटते हुए देखी और प्राइजेस 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ, जिस दिन से इन्वेंट्री के अंदर हमने देखा कि थोड़ा ड्रॉप भी था और साथ में गैसोलीन के अंदर जो ड्रॉप था वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। बट हायर लेवल पे थोड़ा सा कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि कोविड के जो नए कंसर्न है वो भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में टेक्निकली भी अगर देखें तो 5100 के ऊपर प्राइजेस जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नेचुरल गैस की बात करें तो कल हमने एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी प्राइजेस के अंदर और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 295 तक के भी लेवल बनते हुए देखे, बट सस्टेन नहीं कर पाए। इन्वेंट्री डेटा से पहले मार्केट एक दायरे में रहेगा, बट ट्रेंड आज पॉजिटिव रहेगा जब तक 287 के लेवल ब्रीच नहीं करता है। 294-295 का लेवल एक बार दिखा सकता है। एक बड़े दायरे में नेचुरल गैस हट हुए हैं, आज की इन्वेंट्री डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बेस मेटल में 2 दिन की तेजी के बाद मार्केट कहीं ना कहीं सुस्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, जिसमें आज कॉपर और जिंक में थोड़ा पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि निकल एल्यूमिनियम लेड अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। बट आज दिन के सेशन में पूरे बेस मेटल में एक गिरावट देखने मिल सकती है, जिस दिन से एलएमई पे अगर हम देखें तो कॉपर जिंक निकल लेड एल्यूमिनियम सब में 0.5% के करीब की गिरावट हम देख पा रहे हैं। वहीं गोल्ड की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो यूएस से मीट है उससे पहले प्राइजेस $1,800 के नीचे ही ट्रेड करा। ध्यान रखें अगर 1780 का लेवल तोड़ के होल्ड करता है तो हम वापस 1740-50 तक का लेवल देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट एक इम्पोर्टेंट रेंज में रहेगा। 1812 का लेवल तोड़ना काफी इम्पोर्टेंट है, अगर 1812 का लेवल ब्रीच होता है तो ही हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी $2,850 से लेकर $24 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, अनलेस एंडली ये लेवल ब्रीच नहीं करता है कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं करेगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आज गिरावट रह सकती है प्रॉफिट बुकिंग के चलते, नेचुरल गैस तेजी का रुख रहेगा, बट इन्वेंट्री डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉलर इंडेक्स 93 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डेटा पॉइंट की अगर आप बात करें तो आज यूएस से प्रीलिमिनरी जीडीपी के आंकड़े थोड़े अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से सोने चांदी में गिरावट रह सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में भी गिरावट है, जिसकी वजह से सोने चांदी में गिरावट रह सकती है। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में बिल्टअप जरूर देख रहे हैं, बट पिछली बार के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस को एक सपोर्ट मिल सकता है। और जैक्सन होले स्पीच भी आज पहला दिन है, तो रात को 8-9 बजे के बाद मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। बुलडेक्स में दिन के सेशन में प्रेशर रहेगा, 14,100 से 14,300 का रेंज रहेगा। गोल्ड में 47,000 से 47,350 का रेंज रहेगा। नेचुरल गैस में 287 का लेवल ब्रीच नहीं होता तो 294 का लेवल दिखा देगा, जो 200 मूविंग एवरेज है। निकल भी जब तक 1460 का लेवल ब्रीच नहीं करता, प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।